Mommies and daddies, welcome to my channel VU. It stands for We the Mothers, You the babies, no our babies. So guys, आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही कॉमन है. आज हम बात करेंगे ग्राई पॉटर के बारे में. क्या आपने अपने घर में अपने बड़ों के मुंह से ये वर्ड सुना है? अक्सर सुना ही होगा. कई बड़े ऐसा बोलते हैं, अगर बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा गैस होती है तो बच्चे को ग्राई पॉटर पिला दो. बच्चे के दांत निकलने वाले हैं, अब बच्चे को बहुत पेन होगा और बच्चा रात रात में उठेगा, तो उससे अच्छा है कि बच्चे जब सोए तो उससे पहले उसे थोड़ा सा ग्राई पॉटर पिला दिया करो, ताकि बच्चा आराम से सो जाए. वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और हमारी भी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी. आप बच्चे को ग्राई पॉटर पिलाओ अगर बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो. बच्चे को ग्राई पॉटर पिलाओ अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो वो आराम से सो जाया करेगा, तुम्हें परेशान नहीं करेगा. तो अगर आपने ऐसे वर्ड सुने हैं अपने बड़ों के मुंह से, तो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्राई पॉटर जो बच्चे को हम देते हैं वो बच्चों के लिए सेफ होता है या नहीं होता है. तो सबसे पहले बात आती है कि ग्राई पॉटर है क्या. ग्राई पॉटर एक लिक्विड सॉल्यूशन है, एक कॉन्कॉक्शन है जो बिलीव किया जाता है कि हर्बल इंग्रेडिएंट से बनता है और बच्चों को तब दिया जाता है जब बच्चों को हिकअप्स की, ब्लोटिंग की, इनडाइजेशन की और कॉलिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है. तब बच्चों को इसका एक चम्मच पिला दिया जाता है ताकि बच्चों को कंफर्ट मिले, बच्चों को सूदिंग सा फील हो. ग्राई पॉटर किसने इन्वेंट किया था? ग्राई पॉटर 1851 में इन्वेंट किया गया था विलियम वुडवर्ड नाम से एक फार्मासिस्ट ने. ये अमेरिकन फार्मासिस्ट थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था और उनकी इंस्पिरेशन थी 1840s के अंदर ईस्टर्न इंग्लैंड के अंदर बच्चों में एक बीमारी हुई थी, फैन फीवर, और उसी टाइम पर मलेरिया का आउटब्रेक भी बहुत ज़्यादा था. उस टाइम पर जो बच्चों को दवाइयाँ दी जा रही थी, उन दवाइयों से इन्होंने नोटिस किया कि बच्चों को जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज होते हैं, ट्रबल्स होते हैं, वो भी सॉल्व हो रहे थे. बच्चों को उसमें राहत मिल रही थी जब बच्चे ये दवाइयाँ खा रहे थे जो मलेरिया और फैन फीवर के लिए उनको रिकमेंड की गई थी. तो उन्होंने वहाँ से इंस्पिरेशन लिया और ये दवाई बनाई. जब वुडवर्ड ने इसको प्रिपेयर किया था तो उन्होंने 5 चीज़ों से इसको बनाया था, जिसमें 3.6% अल्कोहल था, दिल ऑयल था, सोडियम बाइकार्बोनेट था और शुगर था और वाटर था. तो इन 5 चीज़ों से उन्होंने ये बनाया था. विलियम वुडवर्ड्स ने 1876 के अंदर इस कॉन्कॉक्शन को, इस लिक्विड सॉल्यूशन को जो उन्होंने बनाया है, उसे एज अ ग्राई पॉटर रजिस्टर करवाया. बट 1992 में ब्रिटेन ने मैंडेट कर दिया कि ग्राई पॉटर के अंदर से अल्कोहल को रिमूव कर देना चाहिए. और क्या आप जानते हैं कि अल्कोहल रिमूव करने से पहले इसके अंदर जो अल्कोहल का कंटेंट था, दैट वाज इक्विवेलेंट टू 5 टॉट्स ऑफ विस्की फॉर एन 80 केजी एडल्ट. तो आप सोच सकते हैं कि उस ग्राइप वाटर के अंदर जो विलियम वुडवर्ड्स ने बनाया था ओरिजिनली, उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा कितनी ज़्यादा थी एक छोटे से बच्चे के लिए. 1993 में US FDA ने ऑर्डर कर दिया ऑटोमेटिक डिटेंशन ऑफ ऑल द शिपमेंट्स ऑफ ग्राइप वाटर इन US ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बीइंग एन अनअप्रूव्ड ड्रग. इन रिस्पॉन्स टू द FDA's इम्पोर्ट अलर्ट, ग्राइप वाटर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एज डाइट्री सप्लीमेंट्स. यस, इसे डाइट्री सप्लीमेंट माना जाता है, ना कि मेडिकेशन. आइए अब रोशनी डालते हैं इस बात पे कि FDA ने ग्राइप वाटर को किस बेसिस पे बैन किया. ग्राई पॉटर के कुछ फॉर्मुलेशन में ऐसा पाया गया था कि इसके अंदर 9% अल्कोहल होता है, जो बच्चों के डेवलपमेंटल चेंजेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है. इन चीज़ इसके कुछ फॉर्मुलेशन में ये भी पाया गया था कि इसके अंदर वीट और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चे के स्टमक को अपसेट कर सकते हैं. FDA ने यह भी कंफर्म किया कि इसके किसी एक फॉर्मुलेशन के अंदर क्रिप्टोस्पोरिडियम नाम से एक पैरासाइट है, उसका प्रेजेंस भी देखा गया है. FDA का कहना है कि इट इज़ अनफिट फॉर द बेबीज हु आर यंगर देन 1 month. FDA ने देखा कि इसके कुछ फॉर्मुलेशंस के अंदर पैराबेंस हैं, ग्लूटेन है, डेयरी है और वेजिटेबल कार्बन भी है, जो बच्चों के अंदर कोई भी एलर्जी का रीज़न बन सकते हैं. कुछ फॉर्मुलेशंस में ये पाया गया था कि इसके अंदर सुक्रोज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जो बच्चों के इरप्टिंग टीथ को हार्म कर सकती है. बच्चों के दांत निकलने वाले होते हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उनके दांत निकलने में दिक्कत हो सकती है, देरी हो सकती है, या अगर निकलते हैं तो बच्चों के दांतों में कीड़े लग सकते हैं या ख़राब हो सकते हैं. तो इस वजह से FDA ने इसको बैन किया था. FDA ने देखा कि ग्राई पॉटर के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये बच्चे के रिफ्लक्स सिम्टम्स को भी वर्सन कर सकता है, मतलब और भी ख़राब कर सकता है. बच्चे को रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है. लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ग्राई वाटर कैन इंक्रीज ब्लड एल्कलिनिटी और द pH लेवल. तो इस चीज़ की वजह से FDA ने इसे टोटली बैन किया हुआ है, बिकॉज ये किसी भी तरीके से बच्चों के लिए सेफ नहीं है. तो इंडियन मार्केट्स में जो ग्राई वाटर मिलता है उसके मेन इंग्रेडिएंट्स रहते हैं लाइकोरिस, कैमोमिल ऑयल, फेनल सीड्स, सिनेमन, जिंजर ऑयल, लेमन बाम एंड वन मोर थिंग इज ऑल्सो देयर,
बट इसके अंदर अल्कोहल नहीं होता है, शुगर नहीं होता है, बट स्टिल सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रेजेंट इन इट, जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए मैं बार बार मना कर रही हूँ कि बच्चों को ऐसी चीज़ें मत दें जो बिल्कुल बच्चों के लिए सेफ नहीं होता है। और क्या आप जानते हैं कि इसे एक मेडिकेशन तो नहीं माना गया है, इसे एक सप्लीमेंट माना गया है, इसी वजह से ये FDA के अंडर नहीं आती है। तो इसके जो इंग्रीडियंट्स हैं वो कितने सेफ हैं या नहीं है, उसको जानने के लिए, उसको चेक करने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। तो ये जिस तरीके से बनाया जाता है, जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उसे भी रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी नहीं है। इसीलिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए कोई पीडियाट्रिशियन इसको रेफर नहीं करता है, बिकॉज इसकी एफिकेसी का भी अच्छे से पता नहीं है। और ये बच्चों के लिए सेफ होता है या नहीं, इस पर अभी भी स्टडी चल रही है, हम फिर भी बच्चों को दे देते हैं। तो अगर आपको बच्चे को तब भी देना है, तो आप दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए कि आपका बच्चा 3 महीने से कम की एज का नहीं होना चाहिए, और अगर आपको बच्चे को ग्राइप वाटर देना ही है तो बच्चे को घर पर बना हुआ ग्राइप वाटर दीजिए। होममेड ग्राइप वाटर इज द बेस्ट। बच्चों को बाहर से खरीद कर जो ग्राइप वाटर्स होते हैं वो मत दीजिए, उसमें प्रॉपरली इंग्रेडिएंट भी मेंशन नहीं होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप सोच रहे हैं कि आजकल ग्राइप वाटर के अंदर अल्कोहल तो होता नहीं है, शुगर भी नहीं होता है, बट सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट अगर बच्चे को ज़्यादा मात्रा में आप देते हैं तो बच्चे को दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनमें से पहली है एल्कलोसिस और दूसरी है मिल्क एल्कलाई सिंड्रोम। एज पर स्टडी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, अगर 6 मंथ से कम एज के बच्चे को आप ब्रेस्ट मिल्क या टॉप फीड के अलावा कोई भी और लिक्विड देते हैं तो बच्चे की बॉडी को नुकसान ही करता है। वो बच्चे की बॉडी में रिस्क बढ़ा देता है बैक्टीरियाज के इंक्रीज होने का, बच्चे की बॉडी में एलर्जेंस पैदा करने का रिस्क बढ़ जाता है, बच्चे को कोई भी एलर्जी हो सकती है, बच्चे को कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज हो सकते हैं अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कोई और चीज़ देते हैं, कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन मदर्स से जो अपने बच्चे को ग्राइप वाटर दे रही हैं सिर्फ इस वजह से कि बच्चे के पेट में गैस बहुत ज़्यादा होती है, बच्चा सो नहीं पाता है, बच्चे को टीदिंग की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, तो बजाय ग्राइप वाटर देने के बच्चों को आप ऐसी भी चीज़ें दे सकते हैं जो बिल्कुल सेफ़ होती हैं। लाइक सबसे पहला जो मैंने भी फॉलो किया है, मैंने भी अप्लाई किया है, ऐसा फटीडा का पेस्ट बनाइए और बच्चे के नेवल के आसपास लगाइए, बच्चे को उससे सारी गैस जो बच्चे के पेट में होगी वो सब निकल जाएगी, बच्चे को बहुत रिलीफ मिलेगा। और ये आप कैसे बना सकते हैं, आपको करना क्या है, आपको 1/2 teaspoon हींग लेना है और 2 teaspoon पानी लेना है, इनकी पेस्ट बना लीजिए। लेकिन अगर आपको इसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव करना है तो आप इस घोल को बॉयल कर सकते हो, थोड़ा पानी और ऐड करके इसको बॉयल कर लीजिए और इसकी एक थिक सी पेस्ट बना लीजिए और बच्चे को थोड़ा ठंडा हो जाए तब बच्चे के पेट पे लगा दीजिए, बच्चे के पेट में जितनी भी गैस फंसी होगी सब निकल जाएगी। ये मेरा खुद का ट्राइड और टेस्टेड है अपने बच्चे के ऊपर, मैंने जब भी ये लगाई है मेरे बच्चे के पेट से गैस हमेशा निकलती रही है और बच्चे को कभी भी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ है। सेकेंड चीज़ जो आप बच्चों को दे सकते हैं वो है प्रोबायोटिक्स। बच्चे की डाइट के अंदर प्रोबायोटिक्स को इंट्रोड्यूस कीजिए। बच्चा 6 मंथ से बड़ा हो चुका है तो आप बच्चे को प्रोबायोटिक्स आराम से दे सकते हैं। आपको फिर भी डाउट है तो आप बच्चे के पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें, वो आपको बोल देगा कि बच्चे को प्रोबायोटिक दे सकते हैं तो आप आराम से खिलाइए। प्रोबायोटिक्स आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू डाइजेशन प्रॉब्लम इन बेबीज। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है वो है बर्पिंग। बच्चे को आप जब भी फीड कराते हैं तो फीड कराने के बाद बच्चे को बर्प ज़रूर दिलवाएं। बच्चे को डगार आएगा तो बच्चे की जो गैस पेट में फंसी होगी, जो उसको डिस्कम्फर्ट दे रही होगी, वो मुँह के थ्रू निकल जाएगी और बच्चे को आराम मिलेगा, बच्चे को राहत मिलेगी। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम भूल जाते हैं, हम ये तीनों चीज़ें कर लेते हैं लेकिन फिर भी बच्चे के पेट में गैस हो रही है और हमको नहीं पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि हम अपनी डाइट का ही ध्यान नहीं रखते हैं। हम कई बार ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे हमारे बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। हम ये सारी तीनों चीज़ें फॉलो करते हैं और बच्चों को गैस फिर भी होती है, क्योंकि हम जो खाते हैं उस चीज़ का इफेक्ट भी बच्चे के पेट पर हो रहा है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू तो वो सब जा ही रहा है ना जो हम खा रहे हैं। तो हम जो भी खाते हैं हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये 4 चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं। फर्स्ट इज नट्स, देन सेकेंड इज सोया प्रोडक्ट्स, एंड थर्ड इज एग्स, फोर्थ इज कैफीन। कैफीन का इंटेक कम कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि बहुत से लोगों को चाय पीना बहुत पसंद है, तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, दिन में 3 से 4 कप चाय पीते हैं, तो प्लीज़ उसको कम करके 1 कप चाय कर दीजिए। 1 कप चाय पीजिए, उतना ठीक रहेगा, उससे बच्चे को गैस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आप ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए, बच्चे को गैस नहीं होगी। अपने बच्चे को गैस से कैसे रिलीफ दें, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी हमारे ही चैनल पे एक वीडियो है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे आपको दिख जाएगा उस वीडियो का लिंक और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक ज़रूर डाल दूंगी। अब एंड में मैं आपको एक प्रोडक्ट बताती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है, बहुत से ब्रांड में आने लगा है आजकल, लेकिन मैंने जब ये यूज़ किया था तो मैंने ये मामाअर्थ ब्रांड का मंगाया था। ये टमी रोल ऑन है। अगर बच्चे को पेट में गैस बहुत ही ज़्यादा होती है तो बच्चे के नेवल एरिया पे उसी तरीके से लगाना है
जिस तरीके से आप हींग का पेस्ट लगाएंगे। तो ये रोल ऑन बहुत ही हैंडी है, इसलिए मैंने इसको खरीदा। बिकॉज कभी कभी ट्रैवल करना होता था तो ऐसा नहीं होता है कि हर बार आप हींग का पेस्ट बनाने बैठ जाओ, कभी कभी आपने बना लिया फिर ठंडा करना है, टाइम नहीं है उतना। तो ये जो रोल ऑन है ये बहुत ही हैंडी है, आप फ्लाइट्स में इसको कैरी कर सकते हो, आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो ट्रेन में इसे कैरी कर सकते हो, आपके पास किचन का एक्सेस नहीं है कहीं पर, ऐसी जगह पर आप हो तो आप इसको रोल ऑन को लेके जाओ साथ में और बच्चे के पेट पर लगा दो, जब भी आपको लगे कि आपके बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है गैस की वजह से, तो ये बहुत ही इफेक्टिव है, आप इसको भी खरीद सकते हो। तो ये चार पांच चीज़ें हैं जो आप फॉलो करेंगे तो बच्चे की जो गैस की प्रॉब्लम है, कॉलिक के जो पेन बच्चे को होते हैं, उससे बच्चे को रिलीफ मिलेगा और आपको ग्राइप वाटर यूज़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल सेफ। सो मॉमीज एंड डैडीज, द बॉटम लाइन ऑफ द वीडियो इज ब्लोटिंग इज वेरी कॉमन, कॉलिक पेन इज वेरी कॉमन, गैस इज वेरी कॉमन इन ब्रेस्ट फीड बेबीज एज पर डॉक्टर्स ऑल्सो। तो इससे घबराना नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेट करती है आपके बच्चे की गेस्ट्रो इंटेस्टिनल मेच्योरिटी को। तो इस चीज़ से क्या घबराना, आपके बच्चे की बॉडी का विकास हो रहा है तो ये छोटी मोटी चीज़ें बच्चों के साथ लगी ही रहेंगी, इनसे डरना नहीं है। और डर रहे हैं तो ग्राइप वाटर बिल्कुल भी नहीं देना है, बिकॉज इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में ही हमको बिल्कुल नहीं पता। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें दीजिए जिसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको पता हो और आपको ये पता हो कि मेरे बच्चे के लिए ये बिल्कुल सेफ हैं। कभी भी कोई भी नई चीज़ बच्चे को आप दे रहे हैं, स्पेशली जब बच्चे को आप पिला रहे हैं खिला रहे हैं, तो हमेशा गूगल सर्च करें, यूट्यूब सर्च करें, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके प्रोज, उसके कॉन्स, उसके बेनिफिट्स और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सो अगर आप भी मेरी तरह सोचते हैं और अपने बच्चे को कोई भी नई चीज़ देने से पहले गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो मॉमीज एंड डैडीज, अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, और मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन और ऐसी अननोन से फैक्ट आपके सामने कैसे लेकर आऊँगी। आप मुझे प्रोत्साहन देंगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी, तभी तो मैं नए नए कंटेंट लेके आऊँगी, तभी तो मैं सर्च करूँगी। सो गाइज प्लीज़ मोटिवेट मी बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स पे, कुछ ऐसी जानकारियां आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता था। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हेल्प ईच अदर इन दीज टफ टाइम्स।